बाल जो है मेरे साफ हो गए हैं, क्लीन हो गए हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसे कि आपको पता है कि मेरा जो हेयर लॉस की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी दिनों से मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, और उसका जो ट्रीटमेंट है हेयर लॉस का और डैंड्रफ का वो मैं डॉक्टर बत्रा के क्लिनिक से ले रहा हूँ ट्रीटमेंट। और जो भी वो लोग दे रहे हैं उसको मैं स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ, जैसे वो लोग बता रहे हैं मैं उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा हूँ। सो आज के मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैं जो शैम्पू और कंडीशनर यूज करता हूँ जो कि मुझे मिला है क्लिनिक से, तो उसको मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ, कैसे यूज करता हूँ और कैसे अपने बालों पे अप्लाई करता हूँ, उसके बारे में मैं आज आपको उस शैम्पू को इस्तेमाल करके बताऊंगा और दिखाऊंगा कि हाँ मैं कैसे उसको इस्तेमाल करता हूँ। बट उससे पहले मैं आज ये एक डर्मा रोलर है इसको भी इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि ये हफ्ते में एक ही बार यूज करता हूँ, तो मैं सोचा कि इसको भी बता देता हूँ। ये हफ्ते में सिर्फ एक ही बार यूज करता हूँ, मैं डेली यूज नहीं करता। और जबकि कंडीशनर और शैम्पू हर 2 दिन गैप करके आपको लगाना है, मतलब हर 2 दिन गैप करके मैं उसको नॉर्मली यूज करता हूँ। शैम्पू लगाता हूँ, धोता हूँ, कंडीशनर लगाता हूँ। बट आज संडे है तो मैं सोचा कि हर संडे को मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ डर्मा रोलर, ताकि ये जो एरिया है बालों का, जो एरिया है जहाँ पे मेरा डैंड्रफ का इशू है, हेयर लॉस का इशू है, वहां पे इसको इस्तेमाल करता हूँ 2 से 3 मिनट, और हफ्ते में एक ही बार। और ये मुझे डॉक्टर ने नहीं दिया है, मुझे क्लिनिक से नहीं मिला है, ये मैं ऐसे ही नॉर्मली ऑनलाइन परचेज किया है, काफी दिन पहले परचेज किया था। ये जो एरिया है इसको एक्टिव कर दे और यहाँ के जो ब्लड है उसको सर्कुलेट करे अच्छे से, इसके लिए मैं ये डर्मा रोलर इस्तेमाल करता हूँ, और हफ्ते में एक ही बार। मैं बार बार बोल रहा हूँ हफ्ते में एक ही बार इस्तेमाल करता हूँ इसको, क्योंकि अगर आप ये डेली यूज करोगे तो उसको साइड इफेक्ट भी कर सकता है। और जो इसमें जो डब्बे रहते हैं उसके अंदर एक नोट मिलता है जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, उसमें भी लिखा है कि ये आप डेली यूज नहीं कर सकते। सो चलो पहले मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, उसके बाद क्या करना है फिर मैं बताऊंगा। तो इसको 2 से 3 मिनट में ऐसे यूज करने वाला हूँ। सो चलो पहले ये इस्तेमाल करता हूँ मैं, ताकि ये जो एरिया है मेरा एक्टिव हो जाए और ब्लड सर्कुलेट हो जाए। सो गाइस, इसका काम हो गया और इसको मैंने इस्तेमाल कर लिया, 2 मिनट तक लगाया मैंने, और इससे ज्यादा यूज नहीं करना है, 2 से 3 मिनट ही यूज करना है। सो गाइस, मुझे ये भी मिला है, जब भी मैंने ये मंगाया था तो उसके साथ मुझे ये भी मिला है। ये एक्चुअली एक लिक्विड फॉर्म में है जो कि डिसइन्फेक्ट करता है ये एरिया जो है, आप ऐसे स्प्रे करोगे तो ये जो एरिया है आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन से बचाएगा, उसके लिए है। क्योंकि आप ये इस्तेमाल करते हो तो इसके अंदर एक रहता है कांटे जैसा चुभता है, तो उसको बचाने के लिए, उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये मिलता है, तो इसको भी थोड़ा सा स्प्रे करना पड़ता है। तो मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया है और इसका काम हो गया है खत्म। सो गाइज, अब जो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ इसको, ये एक पाउडर है और ये दही है, तो इसको मिक्स करूंगा दही के अंदर और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगा। सो गाइस, आपने देखा होगा पिछले वीडियो में कि मैं इसको लाने के लिए गया था क्लिनिक में, ये खत्म हो गया था तो इसको लाने के लिए गया था, और आज मैं उसको इस्तेमाल करने वाला हूँ। और ये भी मैं हफ्ते में एक ही बार यूज करता हूँ, क्योंकि आज संडे है तो मैं आज इसको भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। वैसे जनरली मैं शैम्पू और कंडीशनर हर 2 दिन पे लगाता हूँ, जैसे लगाते हैं सब लोग जैसे लगाते हैं, बट आज संडे है तो मैं जो एक बनाया हूँ सिस्टम, जो रूटीन है मेरा, वो हर संडे को एक डर्मा रोलर भी यूज करता हूँ, और ये तो लगाना ही हफ्ते में एक बार, तो मैं इसको भी लगाता हूँ। तो आज संडे है तो मैं आज इसको भी इस्तेमाल करने वाला हूँ, और इसके बाद मैं शैम्पू यूज करूंगा, और इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जो लोग नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो गाइस, पाउडर को मैंने दही में मिक्स कर लिया अच्छे से, और अब मैं बालों के ऊपर इसको अप्लाई करने वाला हूँ। सो चलो अप्लाई करते हैं और इसको लगाते हैं। तो गाइस, मैंने लगा लिया, अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब मैं बताता हूँ कि अब मैं शैम्पू कैसे इस्तेमाल करता हूँ।
इसको 20 से 25 मिनट तक छोड़ दूंगा, डॉक्टर ने बोला है 20 मिनट तक इसको छोड़ के रखना है और उसके बाद नहाना है, उसके बाद धोना है शैम्पू से। तो मैं इसको 20 से 25 मिनट तक छोड़ दूंगा और उसके बाद लगाऊंगा शैम्पू, उसके बाद नहाने जाऊंगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि शैम्पू को मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ, डॉक्टर ने कैसे बोला है। सो बेसिकली डॉक्टर ने ये बोला है कि आपको जो शैम्पू दिया गया है और कंडीशनर जो दिया गया है उसको पानी के अंदर डायल्यूट करना है, डायल्यूट करने के बाद फिर उसके बाद लगाना है। सो चलो मैं शैम्पू को दिखाता हूँ मैं कैसे उसको पानी के अंदर डायल्यूट करके उसके बाद इस्तेमाल करता हूँ। सो मेरे हाथ में ये लगे हुए हैं तो पहले मैं इसको धो के आता हूँ तो उसके बाद बताता हूँ। सो दोस्तों मैं लेके आ गया पानी, इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, ज्यादा नहीं है, देख सकते हो। सो इतना पानी है, थोड़ा सा ही पानी है, ज्यादा पानी नहीं है। आप ज्यादा पानी मत डालो, थोड़ा ही डालो अगर डालना है तो। तो मैं पानी को लेके आ गया हूँ और अब जो है ये रहा शैम्पू, जो कि ये है शैम्पू जिसमें लिखा है डॉक्टर बत्रा और मैंने वहीं से लिया है डैंड्रफ क्लीनिंग शैम्पू। सो ये रहा शैम्पू और इसमें से मैं काफी लगा चुका हूँ, आधा लगा चुका हूँ, आधा ही बचा है। और ये है कंडीशनर, तो पहले शैम्पू लगाना है और शैम्पू को पानी में डाइल्यूट करना है। सो गाइस मैंने शैम्पू को डाल दिया है पानी के अंदर और इसको अच्छे से डाइल्यूट करना है। तो इसको मैं ऐसे मिक्स कर देता हूँ और उसके बाद फिर इसको मैं लगाऊंगा। सो ये हो गया, शैम्पू और पानी को मिक्स कर देना है, सीधी सी बात है। और ये मैंने मिक्स कर दिया है और फिर मैं नहाने का टाइम इसको लगाऊंगा। सो गाइस ये जो मैंने लगाया है पाउडर, ये 20 से 25 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। तो अब मैं जो है इसको शैम्पू को इस्तेमाल करने वाला हूँ और अभी जा रहा हूँ नहाने के लिए। तो मैं ये डेली यूज नहीं करता हूँ पाउडर और डर्मा रोलर, ये हफ्ते में सिर्फ एक ही बार संडे के संडे यूज करता हूँ, बाकी हर दो दिन पे मैं शैम्पू और कंडीशनर लगाता हूँ। सो चलो चलते हैं बाथरूम के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे लगाता हूँ। सो गाइस मैं आ चुका हूँ बाथरूम के अंदर नहाने के लिए और मैं जो शैम्पू है वो लेके आ चुका हूँ क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए और ये भी काफी सूख गया है। सो चलो नहा लेते हैं। जो शैम्पू मैंने पानी के अंदर डाइल्यूट करके रखा है उसको मैं दो पार्ट में लगाऊंगा, पहले आधा लगाऊंगा फिर दोबारा भी लगाऊंगा उसी में से। सो चलो अभी शुरू करते हैं, लगाते हैं और नहा के फ्रेश होते हैं। सो गाइस ये है शैम्पू जो कि मैं लेके आ गया और ये कंडीशनर है हमारा। तो पहले शैम्पू को मैं यूज करूंगा और इसको दो बार में यूज करूंगा, आधा एक बार और आधा दूसरी बार। तो चलो लगाते हैं। सो गाइस मैं फाइनली नहा के आ चुका हूँ और बिल्कुल ही बाल जो है मेरे साफ हो गए हैं, क्लीन हो गए हैं और काफ़ी मतलब हल्का लग रहा है सब कुछ। अच्छे से मैंने प्रॉपर नहा लिया है और कंडीशनर भी यूज़ कर लिया है। सो ये था आज का वीडियो और मैंने आपको बता दिया कि मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ ये सारी चीज़ें। सो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।